अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जी मेहरुन्निसा और आप मुझे मेहरूबी कह सकते हैं। वेलकम टू माय कैम यूट्यूब चैनल। आज जो मैं बनाने के लिए जा रही हूँ, अब मैंने ये सोचा है कि सोचा तो बहुत कुछ होता है, ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ सोचा है और कुछ ना कुछ चीज़ें आगे आ जाती हैं और मेरी वीडियोस उधर ही रुक जाती हैं। खैर, अब मैंने ये सोचा है कि अब जैसे मैंने डाइट शुरू की हुई है तो मैं बस वही वाले खाने आप लोगों से शेयर करती रहूँगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी थोड़ी हेल्प मिल जाए, आइडियाज़ मिल जाए कि क्या खाएं क्या ना खाएं। तो आज मैं बना रही थी जी पेरी पेरी चिकन ऑन वेजिटेबल ब्रेड। ठीक है, तो आए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमने लेना है बोनलेस। बोनलेस मैंने लिया है जी 240 ग्राम्स। मैंने एक फिले को हाफ किया सेंटर से और वो ले लिया था। आपके पास 220 ग्राम्स बने या 260 ग्राम्स बने उसकी खैर है, इसको मैंने सेंटर से हाफ़ किया है। ये दो बंदों ने खाना है इसलिए मैंने दो फिलेज इसके ले लिए हैं। अब इसको मैंने एक फोक से इसको इस तरह सारा पंच कर दिया है। इस तरह ये होगा कि सारा नमक और मसाले जो हैं वो उसके अंदर तक उनका टेस्ट चला जाएगा। अब इसमें हमने विनेगर डालना है। विनेगर जो है वो 1 टेबल स्पून डलेगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि बहुत खट्टा हो जाता है और फिर उसका पेरी पेरी होने का मकसद ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें हमने सोया सॉस डालनी है। सोया सॉस डालेंगे हम 2 टेबल स्पून डालेंगे। अच्छा, आपको मैंने ये बताना था कि आगे जो नमक हम यूज़ करेंगे ना वो आपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट करना है क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है। खैर, अब हम आगे आते हैं ऑरिगेनो की तरफ। ऑरिगेनो आपने 1/2 टीस्पून लेना है, ठीक है। हाँ, अगर किसी को ऑरिगेनो का टेस्ट बहुत पसंद है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब आगे हमने लिया पेपरिका पाउडर, वो 1/4 टीस्पून आएगा पेपरिका पाउडर। जी किसी को ज़्यादा स्पाइसेस पसंद हैं तो आप इसमें चिली फ्लेक्स भी 1/4 टीस्पून डाल सकते हैं। इसके साथ अब हमने डालना है जी पेरी पेरी सॉस। नैंडोस की पेरी पेरी सॉस बड़े आराम से मिल जाती है, फ्लेवर जो है इसका मीडियम है और ये हमने डालनी है 2 टेबल स्पून डालनी है, ठीक हो गया। अब हमने जब ये सारे स्पाइसेस डाल दिए हैं इसमें अब रह गया है जी नमक। नमक हम डालेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मैंने आपको पहले भी बताया, फिर बता रही हूँ कि नमक जो है बहुत ध्यान से डालना है क्योंकि सॉस में भी नमक है और सोया सॉस में भी नमक है, पेरी पेरी सॉस में भी और सोया सॉस में भी है। तो आप वो चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, नमक कहीं ज़्यादा ना हो जाए। अब नमक के बाद हमने इसमें डाला है जी ब्लैक पेपर, काली मिर्च। काली मिर्च भी 1/4 टीस्पून डली है। अब इसके बाद मुझे नमक थोड़ा कम लगा इसलिए मैं दोबारा इसमें डाल रही हूँ ताकि उसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल ठीक आए। अब इसको हम लोग थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं ताकि नमक और मतलब जितने भी स्पाइसेस हैं जो सब चीज़ें हैं वो सारी अच्छी तरह इसको उलट पुलट कर लें ताकि अच्छी तरह इसके ऊपर सब चीज़ें लग सकें। इसको हमने 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देना है। अब आते हैं सब्जियों की तरफ। मैरिनेशन के लिए हमने साइड पे कर दिया। सब्जियां हम काटते हैं जी। सब्जियां आपके पास जो भी सब्ज़ी है आप वो ले लें, ज़रूरी नहीं जो मैंने ली आप वही लें, आप वो भी ले सकते हैं, शिमला मिर्च भी ले लें, आप ब्रोकली ले लें, कुछ भी। खैर, मैंने बीन्स लिए हैं, मैंने बंद गोभी ली है, मैंने फिर इसमें ली है गाजर एक, और हाँ एक और चीज़ मैंने ऐड की है, मैंने पीच लिया है। ये आप लोग भी करके देखें, इस तरह की वेजेस में आप कोई ना कोई फ्रूट ऐड करें, एप्पल, पाइनएप्पल, पीच, उनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। या फिर बारबेक्यू करें उसमें भी ये चीज़ें बारबेक्यू करें तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम आते हैं जी अपनी वेजिटेबल्स को सौते करने की तरफ। तो जी हमने एक ग्रिल पैन लिया। अब उसमें मैंने डाला है ऑलिव ऑयल, जो मैंने डाला है 1 टेबल स्पून। अच्छी तरह थोड़ा सा हल्का सा अच्छी तरह इसको गरम कर लें पैन को और अच्छी तरह इसको ग्रीस कर लें। अब इसमें हम लोगों ने डालनी है, अच्छा वेजिटेबल्स जो हैं आपको मैं बता दूं कि हमने जब भी सौते करनी होती हैं तो सबसे पहले वो वेजिटेबल डालते हैं जो सख्त होती है, जिसको पकने में टाइम लेती है। गाजर उसमें थी और उसके बाद बीन्स थे। पहले मैंने गाजर को सौते किया है, उसके बाद मैंने बीन्स डाले हैं। इसके ऊपर आप लोगों ने ढक्कन रख देना है ताकि इसको हल्की सी स्टीम मिलेगी तो ये थोड़े नरम भी हो जाएंगे, क्रंची भी हो जाएंगे। अब जब हमने बीन्स भी डाल दिए हैं, बीन्स और गाजर को इस तरह करके थोड़ा पका लेना है। अब इसके बाद आपने डालने हैं इसमें बंद गोभी। बंद गोभी बहुत जल्दी पक जाती है और अपना थोड़ा सा पानी भी छोड़ती है, तो इसको हल्की सी तेज़ आंच पे आपने बनाना है। इसके ऊपर अब आपने डालना है जी नमक और काली मिर्च, दोनों आपके टेस्ट के मुताबिक डलेंगी। नमक भी और काली मिर्च भी बहुत ज़्यादा नहीं डले क्योंकि हमारे चिकन में भी नमक है।
अच्छा जी, अब इसमें हमने डालना है साथ पीच। पीच जो है, जब पीच को जब हो जाएगा ना, पीच को सौते करेंगे ना, तो ये अपना फ्लेवर छोड़ेगा, ठीक है। अपना फ्लेवर जो छोड़ेगा वो सारी वेजिटेबल्स में भी आ जाएगा, तो वो एक और फ्लेवर आ जाता है। तो आप कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं, एप्पल डाल सकते हैं, पाइनएप्पल डाल सकते हैं, पीच डाल सकते हैं। मैंने वैसे अभी इन्हीं तीनों फ्रूट्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया हुआ है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। या बारबेक्यू जब करें वेजिटेबल्स, तो तब भी आप पूरा हाफ एप्पल हाफ पीच पाइनएप्पल बारबेक्यू करें, बहुत अच्छा लगता है। खैर, अब हम लोगों की वेजिटेबल्स जो हैं वो सौते हो गई हैं, इनको डिश आउट करें। एक प्लेट में वेजिटेबल्स का एक बेड सा बना लें, ठीक है। अब हम लोगों का वेजिटेबल्स सौते हो गई हैं, हमने पैन जो है वो दोबारा ग्रीस किया है ऑलिव ऑयल के साथ। अब हमने ऑलिव ऑयल जो लिया है वो है हमारा 2 टेबल स्पून, ठीक है। दोबारा हम अच्छी तरह इसको ग्रीस कर लें। अब हमने जो चिकन था हमारा, हमने चिकन को दोबारा इसी तरह उलट पुलट करके मसाला सही तरह लगा कर उसको पैन में डाल दिया है। अब इसको आपने हल्की आंच पे बनाना है ताकि ये अंदर तक गल जाए, ठीक हो गया। अच्छा, इसका चेक करने का ये है कि जब हमने दूसरी साइड भी इसकी पलट के इसको बना लेंगे, तो फिर आपने छुरी मार के या कांटा मार के देख लें, अगर सॉफ्टली वो अंदर जा रहा है तो इसका मतलब है कि जो चिकन है या जो भी गोश्त है आपका, जो भी कोई आप उसके लिए यूज़ करें स्टेक्स के लिए, वो गल गया हुआ है। अब हमने चिकन की दूसरी साइड भी इस पक गई है, थोड़ा सी आँच तेज़ कर रही हूँ ताकि इसके ऊपर थोड़ी सी लाइंस भी आ जाएं पैन की। अब ये बन गया है, मैंने चिकन को अब हम लोगों ने रख देना है। चिकन को मैंने रख दिया है जी। अब हम आगे रखेंगे इसके ऊपर वेजिटेबल्स के ऊपर। वेजिटेबल्स के ऊपर हम चिकन को रख के, जो भी इसकी सॉस अभी पैन में आपको दिख रही है ना साइड्स पे थोड़ी थोड़ी, ठीक है, वो आपने चिकन के ऊपर डाल देनी है। वो आगे मैं बताती हूँ कि आप किस तरह करेंगे। वेजिटेबल्स इतनी रिफ्रेशिंग लग रही हैं, इतना प्यारा मज़े का कलर लग रहा है, खाने में भी बहुत मज़े की हैं। अच्छा जी, अब हमने चिकन निकाला, चिकन जो है वो हमने इसी तरह वेजिटेबल्स के ऊपर रख दिया और जो इसकी सॉस थी वो हम लोगों ने स्टेक के ऊपर डाल दी है, ठीक हो गया। अब इसको आप इसी तरह गरम गरम सर्व करें, गरम गरम खाएं, बहुत मज़े की है, बहुत मज़े की है। डाइट वालों के लिए तो बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। हाँ जी, तो ये थी हमारी रेसिपी पेरी पेरी चिकन और वेजिटेबल पेन। तो अगली रेसिपी के साथ मैं अगली वीडियो में आप लोगों के सामने आऊंगी। और आप लोगों ने बस इतना सा काम करना है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और वीडियोस को आपने शेयर करना है। और दूसरा एक और चीज़ ये कि जब आप ट्राई करें तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना। थैंक यू सो मच आपके इतने प्यार का। और इंशाल्लाह प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि अब आईना कुछ ना हो जिसकी वजह से वीडियोज़ रुक जाएँ। Take care, Allah Hafiz.